हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्ग अंजलि। बॉन्ग अंजलि में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हूँ जी मैं हूँ अंजलि और ये है जिया। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं? आलू भाजा अंजलि स्टाइल, है ना। तो मैं जो आलू भाजा बनाऊंगी वो है नॉर्मल, मेरा स्टाइल है, मतलब नॉर्मल वाले स्टाइल है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ मैं अभी। पहले मैं, आप लोग देखते रहिए मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे बनाती हूँ, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ठीक है। जियान रिक्वेस्ट कर दो कि बॉन्ग अंजलि को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, दिखाते हैं, लेट्स स्टार्ट। आलू, ये मैंने 5 आलू लिए हैं। आलू तो ली हूँ और साथ में ये पानी ले ली हूँ, ये पानी है वॉश करने के लिए। क्या करने के लिए? वॉश करने के लिए। पता नहीं मेरे वीडियो में कहाँ से लिपस्टिक आ जाता है, मुझे भी पता नहीं। मैं मतलब खुद ब खुद लिपस्टिक दिखता है मेरा फोन पे, है ना। लिपस्टिक को लगा कर ही है डार्क हो गया, है ना। मैं लगाई हूँ, ये नहीं लगाता है, पर इसका भी लिपस्टिक आता है। ये मेरा हो गया है। उसके बाद मैं उसको अच्छे से तरीके से धो दूंगी, क्योंकि ये जो न्यू आलू रहता है ना, तो वो थोड़ा मतलब कैसे मट्टी मट्टी दिखता है, तो इसीलिए मैं उसको धो दूंगी अच्छे से। ये हो गया देखो, ठीक है। तो मैं इसको धो दूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। ये मैंने धो लिया है, ये देखो आलू को, अब कटिंग करते हैं, ठीक है। ये मैंने कटिंग कर ली है, ये देखिए, ठीक है। ऐसे कटिंग कर सकते हैं आप लोग। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, कढ़ाई में तेल डालूँ, उसके बाद इसमें मिक्स, वो थोड़ा गर्म होते रहेगा, तो इस पर मैं थोड़ा हल्दी नमक स्वाद अनुसार देना सब है, और रेड चिली पाउडर और जीरा पाउडर डालूँगी, डाल के मिक्स करके रखूँगी, तब तक तेल गर्म होते रहेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो चलिए डालते हैं। रेड चिली पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, ये मैं मिक्स कर दी हूँ।
तक। अब जाती हूँ तेल देने के लिए। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक मैं आलू को मिक्स करके रख देती हूँ। ये मिक्स हो गया, आप लोग देख लिए हैं। अभी तेल गरम नहीं हुआ है, जैसे तेल गरम होते हैं तो वैसे मैं इसको दे दूँगी फ्राई होने के लिए, ठीक है। इससे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपना रेसिपी आप लोग को बताती रहूँगी, दिखाते रहूँगी, और मेरा जो शॉर्ट वीडियो है वो भी बनाऊँगी, ठीक है। चलो देखते हैं, तेल गर्म होने के बाद इसमें आलू देते हैं, ठीक। देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब उसमें मैं आलू जो काट के और मिक्स करके रखी थी वो डालूंगी। ये मैंने सारे डाल दिए हैं, ये देखिए। थोड़ी धीमी आंच में कर दी हूँ क्योंकि वो थोड़ा पके, नहीं तो फिर कच्चा रह जाता है, इसीलिए थोड़ा धीमी कर दी हूँ। उसके बाद जब हो जाएगा तो मैं फिर जोर कर दूँ, ठीक है। आलू भाजा बन के रेडी, ये देखो। कैसा बना है वो आप लोग बताएंगे। आलू भाजा रेडी हो गया है, अभी हम और जियान टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है जियान। बहुत अच्छा बना है। सो यम्मी टेस्टी। चलो अब जियान को खाना खिला दूं। जियान पोटैटो और राइस खाएंगे, दिखा दो जियान। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मेरा चैनल का नाम तो है बोंग अंजलि। तो बोंग अंजलि को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ये कुरकुरा भी खाइए। चलो बाय, लव यू। आई लव यू।